नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों में जीत हासिल करने के लिए प्रत्याशी तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। दरअसल उन्नाव पुलिस ने 2 क्विंटल जलेबी और 1000 से ज्यादा समोसे जब्त किए हैं। ये जलेबी और समोसे वोटरों को लुभाने के मकसद से प्रधान पद के प्रत्याशी राजू मौर्य के घर बनवाए जा रहे थे। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक हसनगंज के सीओ आरके शुक्ला ने बताया कि गांव पिछवाड़ा में प्रधान पद उम्मीदवार राजू मौर्य ने कोरोना प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली थी। आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, उन्नाव में पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की तरफ से किसी भी तरह की अनियमितता न होने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस रखी है। वहीं इसी सिलसिले में 10 अप्रैल को हसनपुर पुलिस को सूचना मिली कि गांव पिछवाड़ा में ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार राजू मौर्य की ओर से वोटरों को लुभाने के मकसद से अपने घर पर बड़ी मात्रा में जलेबी और समोसे बनवाए जा रहे हैं। बता दें कि इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूचना को सही पाया। मौके से 200 किलो जलेबी, 1050 समोसे के अलावा मैदा, घी जैसी कच्ची सामग्री, भट्टी, सिलेंडर को जब्त किया गया। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। करीब एक हफ्ते पहले अमरोहा जिले के रुखालू गांव में ग्राम प्रधान के लिए चुनाव लड़ने के करीब एक हफ्ते पहले अमरोहा जिले के रुखालू गांव में ग्राम प्रधान के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे चंद्रसेन की ओर से भी वोटरों में रसगुल्ले बांटने की कोशिश की गई थी। तब चंद्रसेन के घर से पॉलिथीन की थैलियों में करीब 100 किलो रसगुल्ले जब्त किए गए थे। साथ ही मौके से चंद्रसेन की पत्नी के भाई सोहन वीर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बरामद किए गए पूरे माल को गड्ढा खोदकर डंप कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।